दोस्तों, PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा मुकाबला आज पेशावर जालमिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला गया। इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर जालमिया ने 13 रन से हराकर पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर आ गए। तो दोस्तों, ऐसे में क्या है पॉइंट टेबल की पूरी जानकारी और मैच की पूरी खबर बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप भी यदि बाबर आजम को एक बेहतरीन कप्तान मानते तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर जालमिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच मैच खेला गया। इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के कप्तान सदाब खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए पेशावर जालमिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना डाले। पेशावर जालमिया की तरफ से इस मैच में सबसे ज़्यादा रन मोहम्मद हारिस ने 39 गेंदों में 79 रन की पारी खेली, वहीं भनुका राजपक्षा ने 25 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की तरफ से इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट हसन अली ने 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि कप्तान सदाब खान ने 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की शुरुआत भी बेहद ही खराब रही, और मात्र पहले ओवर की 5वीं गेंद पर हसन नवाज को खुर्रम शहजाद ने सलमान निसार का हाथों कैच कराकर इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम को पहला झटका दे दिया। लेकिन मिडिल क्रम में बल्लेबाजों ने कुछ साथ दिया, लेकिन लक्ष्य बड़ा होने के कारण इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम को इस मैच में 13 रन से हार का सामना करना पड़ जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मात्र 19 ओवर में ऑल आउट हो जाती है, जिसके चलते इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम को इस मैच में 13 रन से हार का सामना करना पड़ जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की तरफ से इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कप्तान सदाब खान ने 19 गेंदों में 25 रन की पारी खेली, वहीं फहीम अशरफ ने 13 गेंदों में 38 रन की शानदार पारी खेली। वहीं पेशावर जालमी की तरफ से इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट खुर्रम शहजाद ने 1.4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट झटके। तो दोस्तों, आइए इस मैच के बाद नज़र डालते हैं PSL 23 के पॉइंट टेबल पर। पॉइंट टेबल के नंबर एक की बात करें तो लाहौर कंडस की टीम 9 मैचों में 14 पॉइंट के साथ नंबर एक पर है। वहीं मुल्तान सुल्तान की टीम 10 मैचों में 12 पॉइंट के साथ नंबर दूसरे पायदान पर है। वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 मैचों में 12 पॉइंट के साथ नंबर तीसरे पायदान पर है। वहीं पेशावर जालमिया की टीम 10 मैचों में 10 पॉइंट के साथ नंबर चौथे पायदान पर है। वहीं क्वेटा ग्लेडियर्स की टीम 10 मैचों में 6 पॉइंट के साथ नंबर पाँचवें पायदान पर है। वहीं कराची किंग्स 9 मैचों में 4 पॉइंट के साथ नंबर छठे पायदान पर है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।